हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिना गन्ने के गन्ने का जूस बना के दिखाऊंगी। ये इतना टेस्टी यम्मी लगता है, आप जान भी नहीं सकते हैं कि ये बिना गन्ने का जूस मैंने बनाया है, इतना टेस्टी लगता है। आइए बताते कैसे बनता है, बने रहे दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले मिक्सी जार ले लेते हैं। इसमें हम 200 ग्राम के करीब छोटे छोटे पीस कर लिए थे गुड़ के। मैंने ये देसी गुड़ है, देसी गुड़ ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इसी में मैंने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया है, 2 गिलास के करीब पानी हमारा है। अब इसी में थोड़ा सा आइस क्यूब डाल दिया है, पुदीने की पत्ती ले लिया है। इसी के साथ में एक नींबू भी निचोड़ देते हैं इसमें, इसका फ्लेवर बिल्कुल गन्ने के रस की जैसे ही आता है। थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको चला लेते हैं ढक्कन लगा के। ये देखिए कितना अच्छा बिना गन्ने के गन्ने का रस हमारा रेडी हो चुका है। आइए मैं इसको सर्व करके दिखा देती हूँ निकाल के। 2 गिलास मैंने ले लिया, 2 गिलास बोला था, 2 ही गिलास हमारा बनके रेडी हुआ है। देखिए कितना झाग आया है, बिल्कुल मार्केट के जैसे ही लग रहा है। पीने में आप समझ भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल गन्ने की जूस की जैसे ही लगता है। अब इसको थोड़ा सा मैं सजा लेती हूँ। बिना गन्ने के मैंने गन्ने का जूस बना दिया दोस्तों। आपको कैसा लगा है वीडियो हमारा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी ड्रिंक हमारा तैयार हुआ है। जब भी आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो इस तरह से आप गुड़ का जूस बना के पिला सकते, बिल्कुल उनको गन्ने वाला स्वाद मिलेगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपी आपको सीखने का मौका मिल सकता है। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।